ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नई वाली 2020, ये एक पूरी तरह से एक शिफ्ट है। पूरा जो हम ट्रेडिशनली आज तक करते रहे हैं, तो एक पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट है कि जिस तरह से हम किन चीज़ों पे ध्यान अधिक हमारा फोकस रहता था, उससे अब हट के अलग किस्म के क्षेत्र जो हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हम जो तेज़ी से बढ़ती दुनिया है उनसे पीछे ना रह जाएं। और जो आज की मोस्ट मॉडर्न डे में जो रिक्वायरमेंट है एक बच्चे की, वो हम पूरी करें, और जो उसे एक्सपेक्टेड है उसके नॉलेज और उसके वो उसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो इस पूरी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई वाली है, इसमें ये सारा पूरा फोकस किया गया है। तो कई क्षेत्रों में इसमें विकास की को देखा गया है। जैसे सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन देना बच्चे को, एक उसका पूर्ण विकास, जो पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उस पर जोर देना। और उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कंसेप्चुअल लर्निंग रादर देन रोट लर्निंग। जैसे हमारे सिंपल सवाल जवाब होते थे, कैसे हमने अपनी मैन पावर जो है, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको तैयार करना है ट्रेनिंग के द्वारा, ताकि वो नए ज़माने के हिसाब से शिक्षा दे सकें। तो इसके साथ साथ तो जैसे नए हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात करें, तो जैसे हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, तो स्मार्ट क्लासरूम्स के ज़रिए हम उनको बच्चों को सिखाएंगे। तो इस तरह के कई तरह के नए कदम हैं जो इस नई शिक्षा नीति में जो है लाए गए हैं। रवि जी, किस तरह इसको इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि ताकि ये पूरी चीज सेपरेट से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को? आप 10 डिस्ट्रिक्टों के मालिक हैं, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन ग्राउंड पे? नहीं, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये हाईएस्ट लेवल पे ऑनरेबल एलजी और ऑनरेबल एडवाइज़र और चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, जो हमारे हायर एजुकेशन के हैं, जो स्कूल एजुकेशन के, ये सारे मिल के ही एक बहुत हायर लेवल पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो जैसे अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो जो हमने इस साल इनिशिएटिव लिया है वो है प्री प्राइमरी क्लासेस जो हैं, हमने हर उस स्कूल में जहाँ पे प्राइमरी सेक्शन थी उसमें प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू कर दी है। तो ये क्योंकि आपको पता है कि पहले फर्स्ट पे ही एडमिशन होती थी सरकारी स्कूलों में, उसमें क्या होता था कि माँ बाप इधर रुकते नहीं थे, तो वो किसी और स्कूल में दाखिल करा देते थे, फिर बड़ा मुश्किल होता था वो वापस फर्स्ट में बच्चे को सरकारी स्कूल में डालने। तो अब जो है हम प्री प्राइमरी से ही क्लासेस आरंभ कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है टीचर की ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंशियल लर्निंग या कंसेप्चुअल जो लर्निंग की बात हो रही है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल टीचर्स का है। टीचर अच्छी तरह से ट्रेन होंगे तभी वो सिखा पाएंगे बच्चे को उस तरह से। तो वो एक बहुत बड़े लेवल पे टीचर्स ट्रेनिंग भी की जा रही है। इसके अलावा जो है हमारा कई तरह के और कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि जैसे मैंने अभी बताया डिजिटल लर्निंग हो गया या स्मार्ट क्लासरूम हो गया, या इस तरह के जो नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के जो काम है वो किए जा रहे हैं। और मैं एक और बात बताऊं कि जैसे असेसमेंट में भी परिवर्तन किया गया है। अब धीरे धीरे जो फोकस है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे है, यानी कि एक सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन होता था उस तरह से नहीं होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है अब तक 30% जो है वो कर दिया गया है। जैसे अब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो 30% अभी जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए। अब आगे आगे आप देखेंगे कि वो उसका जो मात्रा है, जो उसका परसेंटेज है, वो और बढ़ेगी। तो इस तरह के कई कदम उठाए गए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।